नगरपालिका बालाघाट के द्वारा इतवारी बाजार में बीते दिनों से ही फुटकर व्यापारियों को हटाकर व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है और हर बार नया प्रयोग नगरपालिका बालाघाट व इतवारी बाजार में यहां किया जाता है। तो कभी फुटकर सब्जी व्यापारियों को सड़कों से उठाकर इतवारी बाजार के अंदर बिठाया जाता है, तो कभी इतवारी बाजार के अंदर जाने वाली सड़कों को ही नगरपालिका के द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग और व्यवसायियों को रविवार के दिन इतवारी बाजार में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ व्यापारी और वार्डवासियों ने नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ अच्छा खासा हंगामा भी किया। आपको बता दें कि बालाघाट नगरपालिका के द्वारा इतवारी बाजार में बीते दिनों से व्यवस्था बनाने का कार्य किया जा रहा है, किंतु नगरपालिका बालाघाट से कहीं भी कोई व्यवस्था बनती नजर नहीं आ रही। या यूँ कहे कि बालाघाट नगरपालिका में बैठे जिम्मेदारों से शहर की व्यवस्था ही नहीं संभल रही है, और वह जहाँ यहाँ भी व्यवस्था बनाते हैं वहाँ तो या कुछ घंटे बाद जैसे कि वैसी स्थिति हो जाती है, फिर या फिर जो व्यवस्था उनके द्वारा बनाई जाती है वहाँ शहरवासियों को रास नहीं आती। जबकि देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही नगरपालिका ने ट्रामा सेंटर के पास से अतिक्रमण हटाया था, वहाँ पर भी अब दुकानें पुनः जैसी की वैसी लगने लगी। जबकि कुछ दिन पहले ही नगरपालिका के द्वारा इतवारी बाजार में सड़कों से दुकानों को हटाकर रोड किनारे बैठाने की भी बात कही थी, किंतु आज पुनः जिस रोड से नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाया था वहीं नगरपालिका के द्वारा सब्जी व्यापारियों को बिठाकर बाजार करने के लिए कहा गया। तो वहीं कांग्रेस कार्यालय के आगे की ओर जाने वाले मार्ग को नगरपालिका के कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते खाली करवा रहा है और पूरे इतवारी बाजार के व्यापारी यहां रहने वाले स्थानीय बाढ़वासियों को परेशानी में डाल रहे और उनका साथ नगरपालिका का पूरा अमला दे रहा है, जिसका ताजा उदाहरण 19 मई को प्रांथा बस जैसे देखने को मिला, जहां नगरपालिका के एक जनप्रतिनिधि के द्वारा एक रोड खाली करवाने के चक्कर में बाकी 4 से 5 रोडों को बंद करवा दिया गया और यहां के रहने वाले वार्डवासी स्वयं अपने ही घरों में कैद हो गए और जो उनके परिजन सुबह शहर में घूमने गए थे वे उन्हें ही नगरपालिका अपने घरों में आने से रोकने लगी और कहने लगी कि वहां आधा किलोमीटर पैदल अपने वाहन खड़े करें और वहां से पैदल अपने घरों के लिए जाए, जिसको लेकर इतवारी बाजार में काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला। तो कुछ लोग कह रहे थे कि बालाघाट नगरपालिका के कर्मचारी अब इतवारी बाजार में यातायात व्यवस्था भी संभाल रहे हैं, जबकि देखा जाए तो रोड को बंद करने का और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का काम यातायात पुलिस का होता है, किंतु इतवारी बाजार में यह काम नगरपालिका के 20 से 25 कर्मचारी कर रहे थे। जबकि देखा जाए तो इससे यहाँ के रहने वाले रहवासी और सब्जी व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि ये व्यवस्था मात्र 2 से 3 घंटे ही चल पाई और बाद में नगरपालिका ने जहाँ दुकानदारों को बिठाया था वहाँ तेज धूप होने की वजह से वे उठकर चले गए और जो रोड के किनारे नगरपालिका के द्वारा बंद किया गया था वह रोड पुनः चालू हो गए, किंतु उन रोडों पर जो नगरपालिका के द्वारा सब्जी व्यवसायियों को बिठाया गया था उन्हें काफ़ी नुकसान सामना करना पड़ा और जब वो वहाँ से वाहन जाने लगे तो कुछ सब्जी व्यवसायियों की दुकानों के सामने भी वाहनों की चपेट में आने से वे खराब हो गए, जिस पर सब्जी व्यवसायियों का कहना था कि नगरपालिका सही व्यवस्था बनाकर नहीं दे रही है और वही सब्जी व्यवसायियों के साथ प्रैक्टिकल कर रहे जिससे इस तेज धूप में उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। नगरपालिका ने जो व्यवस्था बनाई है, एक तो उन्हें सब्जी मंडी को वहाँ से पुराने शाम टक्की से हटा के इक्वेरीगंज में स्थापित करी, चलो एक बहुत अच्छा काम करी है उसने। ये काम कि अपन चाहते कि उन्हें गरीबों का भला करी, लेकिन उन्हें ये ध्यान नहीं दी कि वो गरीब जब सब्जी बेचने आता है वो सवेरे 3 बजे अपने घर से निकलता भूखा पैसा यहाँ पे आके सब्जी बेचता है और बेचने के बाद वो 1 घंटा बाजार लगाता फिर उठ के चल जाता, उसके बाद की कोई भी मौलिक व्यवस्था उनकी यहाँ पर नहीं है। उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कि कोई टू व्हीलर ना घुसे, कोई फोर व्हीलर ना घुसे, किसी को कोई तकलीफ न हो या बाजार वाले को तकलीफ न हो या मोहल्ले वाले को कोई परेशानी न हो कि क्या सोचे नगर पालिका की, मैं नहीं जानता। तो उन्होंने इधर से दोनों तरफ से ट्रैफिक बिना सूचना के बिना व्यापारी को बताए हुए दोनों तरफ दोनों रोड से ट्रैफिक को ब्लॉक करा। ब्लॉक करने पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी उनको ही यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दिया नगर पालिका ने और उनसे बहस करा, उनसे अभद्रता भी करा, ऐसा सुनने समझने में हमारे को आया। उसके बाद जो सब्जी बाजार यहाँ पर लग रहा है, यहाँ सब्जी बाजार जरूर लग रहा है लेकिन यहाँ से 6 बजे सबरे सब्जी सब्जी बाजार लगता है और दोपहर में 8 या 7 8:30 9 बजे यहाँ से सब्जी सब्जी वाले उठ के चल जाते हैं, क्योंकि इतना हैवी टेम्परेचर है उनके बैठने के लिए कोई यहाँ जगह नहीं है, कोई व्यवस्थित नहीं है, कोई पानी का कोई ऐसे नहीं कि कोई अगर तकलीफ हो जाए तो पानी पीने की कोई व्यवस्था हो। नगर पालिका को और अच्छा इसमें यह काम करना चाहिए कि अपनी हृदयता का परिचय दे। ये जो मंडी ने जो कॉम्प्लेक्स बनाया, इसमें जो डोम बनाया उसके नीचे एक कॉम्प्लेक्स बनाए, वहाँ पे सब्जी मंडी वाले को स्थापित करे, वहाँ बैठा ले ताकि उनको छाव में व्यापार कर सके, बारिश से बचत हो सके और ट्रैफिक भी पुनः जैसा चला है वैसे चले, वहाँ पे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, व्यापार भी सभी का सुचारू रूप से चलता रहे। एक रोड को खाली करवाए और 4 रोड को ब्लॉक करवाए, ये क्या सही है क्या नहीं? ये अब नगर पालिका क्या नियम कायदे कुछ अपन कुछ नहीं कह सकते, कैसे ब्लॉक कर रहे, क्या कर रहे, किसके कारण कर रहे, किसके दबाव में कर रहे, ये अपने संज्ञान के बाहर है। अब आपके यहाँ
से जो रोड है यहाँ से आपका निवास है तो आपको तो चार बार घर से जाना है आना है, वो तो आना ही पड़ेगा। 100% ये हम लोग व्यापारी लोग हैं। आज अगर कोई भी आता है टू व्हीलर से यहाँ पर व्यापार के लिए, कोई सामान लेने आता है या कोई पैदल सामान लेने आते हैं, हमको भी कुछ घर के सामान लेने या बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, वो तो ना तो हमको जाने दे रहे हैं ना बाहर वाले व्यक्ति को आने दे रहे। तो ऐसे में आप क्यों कर रहे हैं? आप तो अपने ही घर में बंद हो गए। अपने घर में हम मतलब एक अपराधी बोल दीजिए हमको, या अपने घर में कैद करवा दी नगर पालिका ने, कौन से नियम के तहत कोई मालूम भी नहीं और ना ही कोई जानकारी है मोहल्ले वालों को, निवासियों को। इससे पहले ऐसा हुआ था कि कभी? कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही हो रहा है। और अगर मतलब आगे भी ऐसा होता है तो आपके विरोध करेंगे? बिल्कुल 100% विरोध करेंगे, इसके विरुद्ध आवाज़।